So, what's up everybody, this is Ali Ansari, so welcome back to my new reaction video bro. तो भाई अभी अभी नाज भाई का गाना आ चुका है जो कि है नार्कोस। नार्कोस का प्राउड बॉय ऑडियो क्रैक, ए यू ऑडियो क्रैक, यू नो ऑडियो क्रैक कहते ही खतरनाक बीट्स। और अभी अभी तुमको तो पता ही रहेगा नाज भाई जो है वो असल में समझ लो कहते ही मिलियन 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 और एक टैगलाइन गिरा है बकासुर, वो अपनी जगह पे, लेकिन बकासुर नहीं, लेकिन वर्स पास लिरिक्स ब्रो कहते ही ऑसम नार्कोस से। पता नहीं मैं नाम गलत ले रहा है, आई डोंट नो मैं सही ले रहा गलत ले रहा, लेकिन नहीं रिप। देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, आर आई पी रिप रेस्ट इन पीट ब्रो, रेस्ट एंड पीट्स। क्या करते हैं ब्रो अपन रिएक्शन देते नहीं क्या? तो मेरे चैनल पे नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली बनता है, तुम्हारा प्यार दिखाओ ठीक है। चलो शुरू कर देते हैं, क्या कुकी के मेरा पब्लिक ये बॉय। अर्बन मंकी स्पॉन्सर हम लोग ने बचपन से ही काफी हार कोर जा रखते पाओ जाते वही छाप छोड़ लाइनों का नशा हम ले कारी नार्कोस मुसीबतों के ऊपर से करके पार कोर लोने बचपन से ही। तुमको पता है पार्कोर पार्कोर क्या होता है पता तुमको? पार्कोरिंग करते हैं मतलब जो बी बॉइंग करते हैं ना ब्रो उनको बता देगा पार्कोरिंग। पार्कोरिंग यानी ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग पे छलांग को लोग पड़े, इस पे छलांग उस पे छलांग इस पे छलांग उस पे छलांग, उसको पार्कोरिंग कहते हैं। पार्कोर आई थिंक सो वही होता है, मैं भी मैं सही बोल रहा है या गलत बोल रहा आई डोंट नो, तुमको अगर बता दो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ठीक है। लेकिन पार्कोरिंग भाई मैंने देखा, मेरा ब्रदर करता ब्रो, मेरा मिडिल ब्रदर करता नहीं है ब्रो पार्कोरिंग, फ्लिपर है वो लाइक फ्लिपर है बट पार्कोरिंग भी करता है, उसको शौक है इधर से उधर जंप करना, तुम देखे रहेंगे यूट्यूब पे काफी गलत ठीक है। मुसीबतों के ऊपर से करके पार्कोर लोने बचपन से ही काफी हार्डकोर जा रखते पाओ जाते वही छाप छोड़ लाइनों का नशा हम ले कारी नार्कोस तापेंगे मुसीबतों के ऊपर से करके पार्कोर। I don't know कैसे मैं जीऊंगा धमकी रहता हर मैसेज उनका कहते तू फट में मार ब्लर किया है लेकिन ब्रो 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 व्हाट द फक कैसे मैं जीऊंगा धमकी रहता हर मैसेज उनका कहते तू फोकट में दिखेगा कैसे मैं जीऊंगा धमकी रहता हर मैसेज उन ये देखो ब्रो ये दिख रहा है, ये देखो ये माउस दिख रहा है मेरा, ये क्या चालू है वंटा कते ही गैंगस्टर शिट ब्रो लास्ट भाई से करके पार्कोर। I don't know कैसे मैं जीऊंगा धमकी रहता हर मैसेज उनका कहते तू फोकट में मार खाएगा पर मैं कुछ फोकट नहीं लूंगा पैसे दे दूंगा। पहले जिस लड़की ने कहा था नैस है गुंडा वो सुनते रहती मुझे काफी अब कानों में रहता हूँ उसके जैसे कोई झुमका। पहले जिस लड़की ने कहा था उसको गुंडा आज वो सुनती रहती है मेरे को जैसे कानों में लगा कोई झुमका। ब्रो 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 लाइन समझ रहे हो मैं कतई कतई मजनू हुए जा रहे हो ब्रो कतई मजनू वो सुनते रहती मुझे काफी अब कानों में रहता हूँ उसके जैसे कोई झुमका। वैसे मैं सुनता पराड़े में जाएगा तो बेटे में खूंखार दे 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 बोल फाड़ हम नाके पे बैठे इलाके के सुल्तान हम नाके पे बैठे इलाके के सुल्तान दे 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 बोल फाड़ हम नाके पे बैठे इलाके के सुल्तान लेवल हाई ब्रो सामने होते हैं खड़े नहीं भाई वो बेटा था नीचे उन्हें जैसे टीचर बिठाते हैं बच्चों के स्पाइक्स को। हम लौंडे बचपन से ही काफी हार्डकोर जा रखते पाओ जाते वही छाप छोड़ लाइनों का नशा हम ले कारी ना। एक बात बता देता हूँ ब्रो मैं नाज का जब भी गाना सुनता हूँ ना ब्रो जब भी गाना सुनता हूँ बंदा है समझ वीरान नाला सुपर साइड का बंदा लेकिन भाई कती ज्यादा हार्डकोर लिखता ब्रो कस्ती ब्रो हार्डकोर लिखता ब्रो बंदा एकदम समझ रहे छाप छोड़ जाता गाने में नहीं क्या छाप मतलब
हर लाइन हर बार्स में तुमको ना मिलेंगे ब्रो, पंचेस मिलेंगे और रिलेट करोगे तुम खुद से, समझ रहे हो ब्रो? कतई सारा अमेजिंग बंदा यार ये नाज, समझ रही? देखो इसका रीच जिस दिन आएगा ना ब्रो, उसका रीच जिस दिन आएगा ना यूट्यूब पे, कभी बोरा तहलका मच जाएगा ब्रो। बंदा काफी टाइम ले लेगा नीचे आने के लिए, एमए वन टैग आ गया, सबका आ गया ब्रो, इसका अभी जस्ट स्टार्टेड है। जैसे आएगा ना ब्रो तुमको पता चल जाएगा बंदा कितना हार्डकोर है। ये टापेंगे मुसीबतों के ऊपर से करके पार्कोर, लौंडे बचपन से ही काफी हार्डकोर, जा रखे पाओ जाते वही छाप छोड़, लाइनों का नशा हम लिकारी नार्कोस, टापेंगे मुसीबतों के ऊपर से करके पार्कोर। नजला को लोगों की आवाज है तो भैरे हो जाओगे कान से वो बन... What happening bro? सही बात है bro. लाखों लोगों के दिल की आवाज है bro. क्योंकि भाई अगर गाने में दम हो ना, अगर तुम रिलेट कर रहे हो ना उस गाने को तो तो बंदा तुम्हारे दिल की आवाज है bro. अगर तुम रिलेट कर रहे हो उसको कि ये बंदा मेरे ऊपर बोल रहा है, साले ने इसने तो मेरे ऊपर लिख दिया bro. इसने मेरे ऊपर लिख दिया bro. तो तुम रिलेट कर रहे हो उस चीज को, नहीं क्या? तो लाखों दिलों की आवाज हो गई ब्रो। तुम रिलेट करो मतलब तुम्हारे दिल की आवाज बन गया हो। यू नो नॉट अ फकर इज अ डिवाइन हा, गली गैंग हा, जी 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 जी। इस गाने से इसका कुछ मतलब नहीं, लेकिन बॉनफायर उसका गुनेगार का साग था तो उसको रिलेटेड उसने कुछ बोला था, लेकिन लाखों दिल की आवाज है ब्रो। नाज़ला को लोगों की आवाज है तो भरे हो जाओगे कान से, वो बनते हैं रास्ते के पत्थर तो मैं खेलता था के शिस्ता सेल, जो बोलते वो करके दिखाते सब की रहती अब मुझे पे आके, तभी तो वो लड़के मुझसे नाराज है, वो समझे मुझको चाइल्डिश, मैं बैड गाय बिली आइलिश, पता नहीं मैं क्या तो भी गलत गा रहा, इंग्लिश ले आती ब्रो, लेकिन बेली आरिश उसी गाने को उसने ये किया है, मतलब मेंशन किया। वो समझे मुझको चाइल्डिश, मैं बैड गाय बिली आइलिश, पीछे पका दे वो खिचड़ी रोज पर खाना चाहता हूँ मैं चाइनीज, मुझे तुझे पकाते वो खिचड़ी रोज पर खाना चाहता हूँ मैं चाइनीज, बड़ा लाइन ब्रो ना भाई, पीछे पकाते वो खिचड़ी रोज पर खाना चाहता हूँ मैं चाइनीज, इतना दर्द दोगे मुझे उससे ही ज्यादा रिटर्न दूंगा मैं SIP, तो पंगा नहीं लेना हम उतने अनाज की बिरयानी में है इलायची, बिरयानी में इलायची, बचपन से ही काफी हार्डकोर, जा रखते पाओ जाते वही छाप छोड़, का नशा हम लेकारी नार्कोस, तापेंगे मुसीबतों के ऊपर से करके पार्कोर, उन्होंने बचपन से ही काफी हार्डकोर, जा रखते पाओ जाते वही छाप छोड़, कोई तो गाने में नाज भाई के गाने में सुना है और काफी बढ़िया बंदा है, समझ रहे ब्रो? ये उस जगह से जिस जगह पे कोई हिप हॉप करता नहीं ब्रो, विरार साइड में बहुत रेयर पर्सन है, गिन के 10-20 गिन के, वो भी अननोन पर्सन ब्रो, उसको पहचानता भी नहीं रहेंगे कोई, नहीं क्या? ऐसे लोग वहां से उठ के आया बंदा ये नाज। अब तू बोले तो कैसा मान, तुम लोग बोले तो कैसा मान ब्रो, मेरा जो बीट मेकर है वो नाला सोपा रहा है, ठीक है ब्रो, तो उसी सबसे अंदर लग जाता ब्रो, तो उस तरफ उसको बस ग्राहक आते नहीं आते, उसी एंगल से पता चलता है ये बंदा उस जगह पे नहीं है, नहीं क्या? वो सब रीच नहीं है चीज को, और उस जगह पे नाला सुबरा विरार साइड में डांसिंग हिप हॉप ज्यादा, जो हिप हॉप का थर्ड या सेकंड एलिमेंट है डांस, तो वो चीज ज्यादा वहाँ पे प्रमोट किया जाता है, और वहां से एक रैपर निकल के आया जिसका नाम है नैज, जो कि अभी काफी पॉपुलर है और काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और आई ऑल्सो सपोर्ट इट, क्योंकि बंदा है वो जी है यार सच्ची में, ठीक है? अगर आपको ये गाना पसंद आएगा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके चेक जरूर करना,
नॉट क्रिस्टन बेल को ऑन कर देना और खूब जाके मजे लेना भाई। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे नी नाज भाई ये गाना कैसा लगा और इसका नेक्स्ट गाने का कैसा बनाना चाहिए और जो तुम रिलेट कर सको उस हिसाब से जाके भाई को कमेंट जरूर करना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक सेफ रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे छिपा कल चलो आगे बढ़ाते रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, पीस आउट बेबी, पीस आउट ये बॉय। प्रा, 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 प्रा।